हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू द ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ए एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बचे आई होप कि आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो सही चल रही होगी आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइस कि आप बहुत ठंडे दिमाग से इस प्रेपरेशन को प्रोसीड कीजिए है ना थोड़ी बहुत टेंशन हो रही होगी कि यार मेरे फलाने नोट्स रह गए हैं मेरा ये रह गया है मेरा वो रह गया अच्छा ये भी तो करना है अच्छा वो भी तो करना है उसके टेस्ट भी देने इसके टेस्ट भी देने रिलैक्स है ना आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है ये जो भी इस तैयारी से निकला है एनी वन हुज बीन थ्रू दिस प्रपरेशन वो उसने ये सब चीजें फेस करी हैं राइट सो माई सजेशन टू यू इज कि आप एक बार अपना पूरा टेबल साफ कीजिए नॉट द एक्चुअल टेबल मेटाफॉरिकल मेंटल टेबल है ना कि अपने टेबल पे क्या कुछ रखा होगा कचरा बहुत होगा उसके ऊपर उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीजें वापस रखना शुरू कीजिए तो यू विल सी कि यार बहुत सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं थी और आपने टेंशन ज्यादा ले रखी थी राइट ट्रस्ट योर मेंटर्स चाहे कोई भी आपका मेंटर है ट्रस्ट देम जो वो बोलते हैं उसको एग्जैक्टली exactly वैसे ही फॉलो करो एंड आई होप दैट यू आर सक्सेसफुल सक्सेस से याद आया कि अभी इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है एक uh, डेलरेशन uh, को साइन करने के लिए सीओपीटी एट के अंदर एबिलिटी टू मीट दी ग्रोइंग डिमांड फॉर मेडिकल सर्विसेज है ना अभी जो इंडिया है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे है ना अभी तो हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इन सब चीजों में खेल रहे हैं है ना हम चाह रहे हैं कि हर गांव में हमारे हर दस गाँव के बीच में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो है ना हर पच्चीस गाँव के बीच में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हम यू you नो know, इस टाइप के टारगेट्स हैं हमारे और वहां पे हम कूलिंग को जो है अभी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू इंडिया और इंडिया ने इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया और ये कहाँ पे साइन हुई है दैट इज इन सीओपी 28 अभी रिसेंटली 12 दिसंबर को ही ये जो समिट है जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये कंक्लूड हुई है ये मीटिंग जो है ये कंक्लूड हुई है सीओपी ओ ट्वेंटी राइट मुझे कमेंट्स में बताइए लिख के आपकी ये सीओ पी ट्वेंटी एट एक्जैक्टली कौन से देश और कौन से शहर के अंदर हुई है राइट right? तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स यूपीएससी इसको नहीं पूछेगा हाएवर अगर आप एच सी एस वगैरह दे रहे हैं एच सी एस पी सी एस वगैरह दे रहे हैं वहां पे चांसिस बहुत फेमस है इतना नई डिटेल में आएगा पर चांसिस हैं कि वो थोड़ा सा इसके ऊपर पूछ लें एटलीस्ट so, स्टेटमेंट uh, में फैक्ट आ सकता है और आपको याद ना हो कि यार ये तो पता है कि यूएई के अंदर हो रहा है है ना लेकिन एग्जैक्टली exactly कहाँ हो रहा है ये नहीं पता लग रहा है ना क्या वेन्यू है ये नहीं पता लग रहा राइट तो आप ये सारी चीजें आप देखिए और क्या इंडिया ने साइन किया है आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सारे पुराने आ, ही मोस्टली जो हमारे प्रोटोकॉल जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गाली सबमिट राइट इन सब को रिट्रेट किया गया इन सब के टारगेट्स को पकड़ा गया है और इनके ऊपर अब रिपोर्ट्स आएंगी राइट और कूलिंग uh, एक पर्टिकुलर ऐसा एक एरिया है जिसके ऊपर खासकर जो इस बार से कवरेज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है

वो साइन करी है और जो मेजर नेशन है लाइक यूएस यूके जर्मनी ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन ठीक है जी उसमें बहुत सारे देश आते हैं तो यूरोपियन यूनियन जो है ये सारे इन्होंने इसको 123 कंट्रीज ने इसको जो है साइन किया है इंडिया डिड नॉट साइन इट ठीक है जी तो ये थोड़ा सा नोटेबल एबसेंस है इंडिया का वैसे टारगेट इस टाइप के चीजों के अंदर इंडिया बहुत जल्दी इन चीज़ों को सपोर्ट करता है साइन करता है और इनिशिएट भी करता है राइट तो ये इंडिया का ना साइन करना तो ये एक मतलब थोड़ी सी हटके चीज है तो हो सकता है इसके ऊपर सवाल आ जाए तो आपने ध्यान रखना बच्चे इन कॉर्पोरेशन ऑफ हेल्थ विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था बच्चे जिसको पेरिस एग्रीमेंट नहीं पता आप उसको जरूर पक्का करके रखिए क्योंकि हो सकता है कि इस साल इस टाइप के सवाल आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिले इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ इन क्लाइमेट प्लानिंग ठीक है बच्चे ये डेक्लरेशन की वो बात कर रहे हैं मोटी मोटी बात है उड़ती उड़ती बात है ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वन हेल्थ अप्रोच अगेन ये आप जो है बच्चे ये मेंस के अंदर आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इस चीज को और अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है हमारे ऋग्वेद के टाइम से ही ऋग्वेद इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट फर्स्ट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट भी इस टाइप की चीज को जो है वो मानता है इस टाइप की चीज को प्रमोट करता है फैक्ट बताया हुआ है बेसिकली वन हेल्थ अप्रोच कंट्रीज आर एनकरेज टू इंप्लीमेंट वन हेल्थ अप्रोच दैट कंसिडर्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ एनिमल हेल्थ एंड द एनवायरमेंट वो बोल रहे हैं कि सब एक ही है

एक्सटर्नल फैक्टर की बात यहाँ पे हो रही है बच्चे। right? uh, अभी पेंडेमिक से पूरी अर्थ गुजर के हटी है तो ऑब्वियसली डेलेन के अंदर इस टाइप की वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउटिक्सोवर्सोवर का मतलब spillover कहीं से भी हो सकता है, finance, है कितना वन बिलियन इन फाइनेंसिंग टू भी प्रोवाइड बाई दी फाउंडेशन और ये बाकी चीजें कौन कौन जो है प्रेजेंट करेगा क्लाइमेट फाइनेंस इज द वन जो कि आप क्लाइमेट की मिटिगेशन के लिए फाइनेंस यूज करते हो एज सिंपल एज दैट बच्चे इंडिया ने क्यों रिफ्यूज किया आई हैव कंपाइल्ड द रीजन फॉर यू यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट और रीड इट राइट हेयर वाई पॉजिंग इट थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर यिलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू Please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough. For your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.